मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 28 नवंबर 2021 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज डेट 1 दिसंबर 1989। विषय स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना सिक व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का यह भाग्य है। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने ये भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। कितना बड़ा स्वमान दिया! ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सिक व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परमधाम से साकार वतन में आते हैं। वहां से भेजते नहीं, लेकिन आकर देते हैं। रोज याद प्यार मिलता है ना, इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो, ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता व संपर्क में आता है। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? फॉलो फादर। साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात विश्व सेवाधारी कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। सदा मालिकम सलाम किया, सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया। होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा, कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले,
महात्माओं के सिर झुकाने वाले ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा हम जिन सात्मा के सम्मान से देखा। बांधेले बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर वन के सम्मान से देखा। इसलिए नंबर वन अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में भी नंबर वन विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर वन हो गए, क्योंकि सर्व को स्वमान सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दूं, सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो, ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली हैं, तो सभी अपने हुए ना। ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रत्न आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो, इतना नशा है। तो सभी ने सुना बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का क्या है। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, कितना नशा होगा। तो सदा ये स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो, वायदे तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो, और लिख कर भी करते हो, और फिर भूल भी जाते हो, इसलिए वायदे का फायदा नहीं उठा पाते। याद रखो तो फायदा भी उठाओ। सभी अपने को चेक करो, कितने बार वायदा किया है और निभाया कितने बार है। निभाना आता है व सिर्फ वायदा करना आता है। वह बदलते रहते हो, कभी वायदा करने वाले कभी निभाने वाले। टीचर्स क्या समझती हैं, निभाने वालों की लिस्ट में हो ना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है, साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या, टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली हैं। वायदे बहुत और फायदा कम हो, ये बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा ये वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वे सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है, संकल्प और कर्म समान हो। संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख सेवा के निमित्त तो बन गए है ना, लेकिन अभी सदा ये स्लोगन याद रखो, हिम्मते टीचर समान शिक्षक बाप, ये कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा अर्थात साथ रहेगा। अच्छा, चारों ओर के स्वमानधारी सो सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नयनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद
प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। बिहार ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो? स्व का राज्य मिला है या मिलने वाला है? स्वराज्य अर्थात जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा सको। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्मेंद्रियां आपको चलाती हैं, कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो, कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है। अगर कभी कभी करता है तो उस समय स्वराज्य अधिकारी कहेंगे, राज्य बहुत बड़ी सत्ता है, राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसे चलाने चाहे वैसे चला सकती है। ये मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों की मालिक है। यदि कभी संस्कार अपनी तरफ खींच लें तो मालिक कहेंगे, तो स्वराज्य सत्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत। जो कर्मेंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं का ही स्लोगन है कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई है और राज्य सत्ता अलग हो गई है, तो लंगड़ा हो गया ना, एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। ऐसे आप में भी अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे, हलचल में लाएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। और दोनों ही सत्ता हैं तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे, कोई विघ्न आ नहीं सकता। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो या थोड़ी थोड़ी शरीर की संबंध की परवाह रहती है, पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है या बेपरवाह रहते हैं? चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। ऐसे निमित बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। मैं कर रहा हूँ ये भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते, लेकिन बाप द्वारा निमित बना हुआ हूँ ये स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। कभी ये थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोत्रों धोत्रों का क्या होगा, ये चिंता रहती है। बेपरवाह बादशाह को सदा ही ये निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है ना। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजय। ऐसे बने हो या सोच रहे हो, बनना तो है ही ना, इतनी बड़ी राजाई मिल जाए तो सोचने की क्या बात है। अपना अधिकार कोई छोड़ता है? झोंपड़ी वाले भी होंगे, थोड़ी सी मिल्कियत भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। ये तो कितनी बड़ी प्राप्ति है, तो मेरा अधिकार है। इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उड़ते चलो। यही वरदान याद रखना कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेहनत करके पाने वाले नहीं, अधिकार है। अच्छा, बिहार माना सदा बहार में रहने वाले, पतझड़ में नहीं जाना, कभी आंधी तूफान न आए, सदा बहार। अच्छा, दूसरा, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो? सुनते थे
की दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए, रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना, अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले के जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, अनेकों में बुद्धि जाती थी। अभी ये सब बदल गया, अभी देह याद रहती या देही। अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, फिर बदल लेते हो, देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो तो संसार बदल गया ना, स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? विनाशी धन या विनाशी संबंध के तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। अभी मेरा रहा ही नहीं, मेरे पास बहुत धन है, ये संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब बाप के हवाले कर दिया, मेरे को तेरा बना लिया ना, या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते। ये विनाशी तन, धन, पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही ये किया कि सब कुछ तेरा और तेरा कहने से ही फायदा है, इसमें बाप का फायदा नहीं है, आपका फायदा है। क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो, तो क्या अच्छा है? हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है? आजकल के जमाने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता। सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने से फायदा है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है, तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है, हल्का रहने में ही मजा है। अच्छा, जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा, तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता है तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता? तो सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी हैं, कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना, इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? हंसना गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। तो ये वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसने गाने और उड़ने वाले हैं, सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं। और कुछ है ही नहीं जहां बुद्धि जाए, स्वप्न में भी रोना नहीं, माया रुलाए तो भी नहीं रोना। मन का भी रोना होता है, सिर्फ आंखों का रोना ही नहीं होता। तो माया रुलाती है, बाप हंसाते हैं। सदा बिहार माना खुश रहने वाले, खुश बहार, और बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में मिठाइयां अच्छी होती है ना, बहुत वैरायटी होती है। तो जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है, बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले। अच्छा, टीचर्स भी खुश बहार को देख करके सदा बहार में ही रहती है ना। अच्छा, वरदान संग दोष से दूर रह सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले।
पास विद ऑनर भावा स्पष्टीकरण। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। स्लोगन, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। ओम शांति। विश्व मंच पर आए शिव रुद्र यज्ञ रचाए, ब्रह्मांड का वो मालिक देखो नूर है छलकाए। विधाता है वो दाता वरदान दे रहा, सर्व शक्तियों से कल्याण करते कल्याणकारी। विश्व मंच पर आए शिव रुद्र यज्ञ रचाए, ब्रह्मांड का वो मालिक देखो नूर है छलकाए। के शिखर से उदित हुआ ज्ञान का सूरज, प्रेम के वो फूल खिलाए, दिखा रहा है वो अचरज। स्नेह सिंधु है वो बिंदु, रोशनी का है दरिया, सुख का संसार भरा सबके लिए ले आया। गूंज रहा विश्व सारा ये संदेश प्यारा प्यारा, आनंदमय संसार। विधाता है वो दाता वरदान दे रहा, सर्व शक्तियों से कल्याण करते कल्याणकारी। विश्व मंच पर आए शिव रुद्र यज्ञ रचाए, ब्रह्मांड का वो मालिक देखो नूर है छलकाए। आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो केबीपी कौन बनेगा पद्मा पदम पति में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम है। तो चलिए, आप तो तैयार हैं ताजधारी बनने के लिए, हम भी तैयार हैं 10 सवाल आपके सामने रखने के लिए। तो करते हैं शुरुआत, रखते हैं पहला प्रश्न। जन्म स्वर्णधारी सारा कल क्या? चार ऑप्शन, ऑप्शन है राज्य अधिकारी, ऑप्शन बी ताजधारी, ऑप्शन सी सम्मानधारी, ऑप्शन डी निर्विकारी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी सम्मानधारी। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पहले प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब, कर दिखाया है कमाल और जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। तो बधाइयां, बधाइयां और बधाइयां, दिल खुश मिठाइयां, दिल की दुआएं और आपको ढेरों ढेर बधाइयां, बधाइयां और बधाइयां। तो चलिए बधाइयां लेते हुए बढ़ते आगे और रखते दूसरा प्रश्न। देह अभिमान का त्याग किया क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना किस में स्थित हो ही नहीं सकते? चार ऑप्शन, ऑप्शन है श्रेष्ठता, ऑप्शन बी स्वमान, ऑप्शन सी परम धाम, ऑप्शन डी आनंद व प्रेम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त फिर एक बार समाप्त।
सही जो ऑप्शन बी स्वमान। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयां, दूसरे प्रश्न का भी दे दिया है बिल्कुल सही जवाब, कर दिखाया है कमाल। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब बारी आगे रखने की छट। तीसरा प्रश्न, एक जन्म क्या बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए स्वमानधारी, ऑप्शन बी विश्व कल्याणकारी, ऑप्शन सी वर्ल्ड सर्वेंट, ऑप्शन डी ब्राह्मण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर से बधाइयां आप सभी को, दिल की दुआएं मुबारक है। तीसरे प्रश्न का भी दे दिया है सही जवाब और 30% खेल कर लिया है पूरा 30 पॉइंट्स के साथ। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत ही उमंग उत्साह आपके अंदर है और यूं ही उमंग उत्साह को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते चला है। तो रखते हैं आपके सामने चौथा प्रश्न। सदा यह स्मृति रखो कि किसने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा ऐसे ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए आदि रत्न, ऑप्शन बी रचयिता, ऑप्शन सी आदि देव, ऑप्शन डी आदि आत्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, सही जवाब ऑप्शन डी आदि आत्मा। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयां, बधाइयां और बधाइयां। बारी आ गई है आगे बढ़ने की, रखने की आपके सामने पांचवा सवाल। संकल्प और कर्म समान हो, संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको क्या नहीं कहेंगे। चार ऑप्शन, ऑप्शन सफलता मूर्त, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी समर्थ्य, ऑप्शन डी निभाने वाले। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर एक बार वक्त समाप्त, सही जवाब ऑप्शन बी समानता। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। 50% खेल पूरा हुआ और आपने भी इस प्रश्न का देकर सही जवाब 10 पॉइंट्स अपने नाम कर लिए हैं। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बेहद मुबारक है आप सभी को, फिर एक बार कर दिखाया है कमाल हिम्मत का काम और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाई। तो चलिए 50% खेल तो पूरा हो गया, रखते हैं और आने वाले 5 सवाल आपके सामने। छठवां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। स्वराज्य अर्थात जब चाहो जैसे चाहो वैसे किस द्वारा कर्म करा सको। चार ऑप्शन, ऑप्शन मन बुद्धि, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रियो, ऑप्शन सी कर्मेंद्रियो, ऑप्शन डी संस्कारो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, सही जवाब ऑप्शन सी कर्मेंद्रियो। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयां, बधाइयां और बधाइयां। बढ़ते आगे रखते हैं सातवां सवाल। अभी राज्य में हलचल क्यों है, क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता क्या हो गई। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए लंगड़ी, ऑप्शन बी अलग, ऑप्शन सी बेपरवाह, ऑप्शन डी बिगड़ी हुई। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जो ऑप्शन भी अलग। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर से आप सभी को बधाइयां, बधाइयां और बधाइयां। दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
बेहद बधाइयां, बधाइयां और बधाइयां। तो अगर आपके पास 70 पॉइंट्स हैं तो आप बहुत ही नजदीक है अपनी मंजिल से ताजधारी बन सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, रखेंगे 8वां प्रश्न। हम हंसने गाने और क्या वाले हैं, सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए बेहद की प्राप्ति, ऑप्शन बी ऊंची स्थिति, ऑप्शन सी हद की प्राप्ति, ऑप्शन डी उड़ने। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, सही जवाब ऑप्शन डी उड़ने। तो फिर एक बार बज उठी है तालियां आपकी सफलता पर। 10 पॉइंट्स आपने फिर एक बार कर लिए अपने नाम। और अगर 80 पॉइंट से संपन्न है आप तो आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सिल्वर क्राउन आप जीत चुके हैं। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बेहद मुबारक है, मुबारक है और मुबारक है। दिल की दुआएं, दिल की दुआएं आप सभी के लिए। तो बधाई हो और बेहद बधाई हो। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न। किससे दूर रहे सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पांच दौड़ भवा। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए आकर्षण पेपर, ऑप्शन बी माया, ऑप्शन सी संदोष, ऑप्शन डी कर्म का संग। हैंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी संतोष। तो कांग्रेचुलेशन। 10 पॉइंट्स आपने जीत लिए और अगर 90 पॉइंट्स आपके पास तो गोल्डन क्राउन आपका। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पर अगर कोई भाई बहन नहीं जीत पाए हैं तो बस ज्यादा घबराइए मत, निराश मत होइए। एक प्रश्न और आपके सामने रखेंगे, हो सकता है आप ताजधारी बन जाए। तो चलिए इंतजार खत्म करते हैं, रखते हैं आज का अंतिम सवाल आपके सामने, आप क्या बनो। तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपके छत्र छाया बन जाएंगे। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए परमात्मा ज्ञानी, ऑप्शन बी ट्रस्टी, ऑप्शन सी फरिश्ता, ऑप्शन डी रूहानी रॉयल। हैंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, सही ऑप्शन से फरिश्ता। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, फिर एक बार मुबारक है, मुबारक है और मुबारक है। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी ने फिर एक बार किया है कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स और बन चुके हैं ताजधारी। अगर 80, 90 और 100 पॉइंट्स आपने इकट्ठे कर लिए हैं तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ कि आप कर चुके हैं कमाल। तो अनुभव करें स्वयं भगवान का वरदान हाथ सिर पर, और बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया, वरदान दिया बच्चे विजयी रतन भवा, निर्विघ्न भवा, मास्टर मुरलीधर भवा, और भरपूर हो गए आप। सर्वशक्तियां बाप ने अपनी आप में भर दी, ऐसा अनुभव करें। बाबा की सर्वशक्तियां आप में और आप संपन्न आत्माएं बन चुकी हैं। तो बधाई हो, बधाई हो और फिर एक बार बधाई हो। मुबारके, मुबारके और मुबारके। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, संडे का दिन बहुत ही बेहतरीन आपके लिए रहा है। तो अब हम लेते हैं छुट्टी और आपसे लेते हैं विदाई। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ नए सवालों के साथ, और आप भी आएंगे और तीव्र पुरुषार्थ करके। तो अच्छा, हमें दीजिए इजाज़त। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए,
8770659619। याद रहे, यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मध बन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्टी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।